नमस्कार, पंचायती टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंह। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। दरअसल जम्मू कश्मीर में लगातार जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं उसको लेके केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। और फैसले से पहले अभी अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं जो, उनकी मीटिंग चल रही है कश्मीर के, जम्मू कश्मीर में जो इनकी अलायंस पार्टीज़ हैं उनके मंत्रियों के साथ। दरअसल कश्मीर पे कड़ा रुख या आक्रामक रुख अपनाने से पहले बीजेपी चाहती है कि पीडीपी के हर एक मंत्री से बात करे, सलाह ले, उसके बाद कोई बड़ा कदम उठाया जाए, एक्शन लिया जाए। इसके बाद आज 12 बजे से मीटिंग शुरू हुई है, दोपहर 12 बजे से मीटिंग अभी अमित शाह की चल रही है। और क्या कुछ निकल के आता है इस मीटिंग में? हालांकि सूत्रों की अगर हम माने तो सूत्रों के मुताबिक अमित शाह जो हैं वो गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो कश्मीर पे कड़ा रुख अपनाने की बात है उससे पहले अलायंस पे कोई फ़र्क ना पड़े, जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट है उस पे कोई फ़र्क ना पड़े, इस वजह से वहाँ के मंत्रियों से मीटिंग कर रहे हैं, बात करें और हर मंत्री से बात करेंगे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अभी इस जो पूरा प्रकरण चल रहा है इससे पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमित शाह फिर भी एक तरह से औपचारिक तौर पर मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद कश्मीर को लेकर सरकार का कोई बड़ा फैसला आ सकता है। मीटिंग जारी है, मीटिंग के बाद क्या होता है इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, और कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार का क्या फैसला आता है, क्या रुख अपनाता है सरकार, हम लगातार आप तक ये खबर पहुँचाते रहेंगे। हमारा ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।